हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, गर्मियों का सीजन है और गर्मियों में कुल्फी और आइसक्रीम खाना सबको बेहद ही पसंद है, और जब ये घर की बनी हो तो बात ही निराली होती है दोस्तों। तो चलिए, आज मैं आप लोग के लिए ऐसी ही प्यारी और मिठास से भरी आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए फटाफट से देख लेते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है दोस्तों। अगर रेसिपी अच्छी लग जाए, दिल को छू जाए, आपको ज़रा भी उपयोगी लगे दोस्तों, तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। साथ ही फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फुल फैट क्रीम का दूध लिया है मैंने, 1 लीटर लिया है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको कट करके एक बर्तन में हम ट्रांसफर कर देते हैं। चूल्हे में मैंने 1 लीटर दूध को काट के डाल दिया है। तो ये लीजिए दोस्तों, दूध में बॉयलनेस आ गया है, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बारीक वाली मेरी चीनी है, तो यहाँ पे 60 ग्राम मैंने चीनी ले लिया है। इसका फ्लेम एकदम कम है दोस्तों, और इस चीनी को हम कैरमलाइज होने देते हैं। अब यहाँ पे अलग से बाउल में हमने आधा कप के करीब नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध ले लिया है। यहाँ पे 2 चम्मच करीब हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो 1 चम्मच करीब कॉर्नफ्लोर है। अब इन सबको अच्छे से हम घोल बना लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बिना लम्स गुठली के ये स्लरी हमने रेडी कर लिया है। इसको हम साइड रख देते हैं। अच्छे से हमारी चीनी जो है कैरमलाइज हो गई। अब जो हमने दूध को बॉईल करके रखा था, उसी दूध को हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे। एक हाथ से दूध देते जाइएगा और एक हाथ से आप इसको मिलाते जाइएगा, और गैस का फ्लेम एकदम कम रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस स्टेज पे दोस्तों पकने वगैरह, छींटे वगैरह का चांस रह सकता है, इसीलिए पेशेंस के साथ इसको इस काम को कीजिएगा। अब सारा दूध देने के बाद इसको अच्छे से मिला दीजिएगा, ताकि जो हमारी चीनी है, ये देखिए अच्छे से ऐसे गांठ पर गई है। इसको मिलाने से, धीरे धीरे मिलाने से बढ़िया से ये मेल्ट हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मिलाने से इसमें जो चीनी का गुठली मैंने आपको दिखाया था वो नहीं है। धीरे धीरे अगर आप पेशेंस के साथ उसको मिलाओगे तो अपने आप पिघल जाएगा। अगर चीनी का गुठली वगैरह बन जाएगा तो बिल्कुल मत डरिएगा दोस्तों, ये आराम से इसमें मेल्ट हो जाता है दूध में। तो 2 मिनट इसमें बॉयलनेस हमने आने दिया है। अब जो स्लरी हमने घोल के रेडी किया था ना, उसको इसमें देने से पहले एक बार आप ज़रूर मिला लीजिएगा, क्योंकि अंदर बैठ जाता है। और धीरे धीरे करके इसमें हम ये स्लरी डाल देंगे। अब स्लरी देने के बाद इसको बढ़िया से हम मिलाते रहे। चारों तरफ ये जो मलाई लग रही है उसको भी खरोच खरोच के इस दूध में हम डालते जाएंगे दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों, इसको पकाते पकाते 3 से 4 मिनट हो गया है और ये थिक भी हो गया है, आप देख सकते हो। बस इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बढ़िया से हमारा थिक हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है। इसका कलर, टेक्सचर वगैरह कितना यम्मी लग रहा है। आप इसे खाने से रोक नहीं पाओगे अपने आप को दोस्तों, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसे पूरा अकेले ही चट कर जाओगे। ये इतना टेस्टी आपकी कुल्फी आइसक्रीम बनके रेडी होगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको मिक्सी के जार में हमने ले लिया है और साइड में भी जो कढ़ाई के लगे हुआ था उसको भी खरोच के हमने इसमें डाल दिया है, और इस रेसिपी का टेस्ट, फ्लेवर और इनहेल्स हो जाएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इलायची का पाउडर है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1 चम्मच हम केवड़ा जल डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो केवड़ा वाटर है, तो इसको इसमें हमने ऐड कर दिया है। ये आज की ही दूध की मलाई है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस दूध की मलाई फ्रेश होनी चाहिए दोस्तों, ऐसे चर्न कर लेते हैं। इसको हमने ग्राइंड कर लिया है और नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, ये एयर पॉकेट जो बने हैं यही आपकी आइसक्रीम को, कुल्फी को बेहतरीन बनाते हैं दोस्तों। जितने बड़े छोटे आपके एयर पॉकेट्स बनेंगे, उतना ही फ्लफी, एकदम स्मूथी और क्रीमी आपकी ये रेसिपी बनेगी दोस्तों। तो बस इसको अब हम सेट करेंगे दोस्तों, किचन में पड़े हुए हमारे कटोरी, ग्लास और ये जो हमारा कप है इसमें सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए कोई भी विशेष मोल्ड की आवश्यकता नहीं, और इसमें जो हमने केवड़ा वाटर और इलायची डाला दोस्तों, वो भी टोटली आप स्किप कर सकते हो, बिना उसके भी आप
इस रेसिपी को बना सकते हो, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा। मेरे पास ये दोनों चीजें थी इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया है ताकि टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छी आए, खुशबू वगैरह बहुत बढ़िया आए दोस्तों। तो ये ग्लास जो है बड़ी वाली ग्लास है दोस्तों, आप देख सकते हो पूरा भर के मैंने इसे इसमें डाला हुआ है दोस्तों। यहाँ पे हमारी कटोरी बच गई है तो इस कटोरी में भी हम फिलअप कर लेते हैं दोस्तों। सिल्वर फॉइल से इसको अच्छे से कवर कर लिया। अब हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें मैंने अभी स्टिक नहीं डाला है। जब ये सेमी सेट हो जाएगा तो इसके सेंटर में आप थोड़ा सा चाकू से नाइफ से इसको कट कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसमें स्टिक डाल लीजिएगा दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट मॉर्निंग हमने कैरमलाइज कुल्फी आइसक्रीम को निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कटोरी वाली कैरमलाइज कुल्फी आइसक्रीम है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कटोरी वाले कुल्फी आइसक्रीम को डिमोल्ड करेंगे। इस तरह से आप टैप करेंगे दोस्तों तो ये इजिली ही डिमोल्ड हो जाएगी दोस्तों। कितना क्रीमी और स्मूथी हमारी ये कटोरी कुल्फी आइसक्रीम हमारी निकली है। ये देखिए, इसका नज़दीक से मैं दिखा दे रही हूँ टेक्सचर, कितना माउथ वाटरिंग है दोस्तों। एकदम कितना ग्लास के शेप में ये स्मूथी क्रीमी आपका टेक्सचर वाला ग्लास वाला भी ये कुल्फी हमारी निकल गई है दोस्तों। ये देखिए, ये कप वाला भी हमने निकाल लिया है। इजली से देखिए कट जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए दो भागों में हमने कट कर लिया है और इसको यहाँ से फोर्थ भागों में कट करेंगे, कटिंग हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए इजली से ये कटिंग हो रहा है दोस्तों। नज़दीक से इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, कितना यम्मी लग रहा है, कितना डिलीशियस लग रहा है। और यहाँ पे इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है इसको डेकोरेट करने की। ये वैसे ही क्रीमी स्मूथी और रिच फ्लेवर वाली आपकी कैरमलाइज कुल्फी आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है। लेकिन मैं थोड़ा सा वीडियो के लिए इसे डेकोरेट कर दे रही हूँ। और इस तरह से आप अपने गेस्ट परिवार जनों को, अपने दोस्तों को दोगे तो इस तरह से सजा के देने से थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है दोस्तों। तो ये आपकी होम मेड, बिना मोल्ड की, बिना कॉस्टली सामान की होम मेड कैरमलाइज कुल्फी आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है। इसका टेक्सचर मैं नज़दीक से भी दिखा दे रही हूँ दोस्तों, बहुत ही यम्मी है, डिलीशियस है दोस्तों। एक बार इस ट्रिक से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और गर्मी में इसका लुफ्त उठा के गर्मी का जो मज़ा है वो 100 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। ठंडा ठंडा एकदम कैरमलाइज कुल्फी आइसक्रीम। इस प्यारी सी रेसिपी को घर पर बनाइए फुल फैमिली, फुल दोस्तों के साथ खा के आनंद लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।